नहीं नहीं देना नहीं आ नहीं आ नहीं आ जाता नहीं, है नहीं 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 तुम्हें तुम्हें नहीं कोई दे रहा है लो शिवू कहीं ठीक है दो दो लो सब कहेंगे कि मेरी दो रहेंगे मेरा को नुकसान हो रहा है मैं स्वाति से कह रहा था दूसरा कर लो तो फायदा होता स्वाति कहाँ से कर लेगी जिसका दो होता है ना दिक्कत हो गया नुकसान कोई नहीं बहुत जल्द गुड न्यूज आएगा बाबा जी बोल रहे थे बाबा जी मैं खुद हूँ बाबा की कुंडली में खुद पढ़ लेता हूँ पूजा शर्मा गई यानी गुड न्यूज है पूजा की शर्मा गई हेलो यहाँ से सारी गुड न्यूज देखने जाएंगे क्या लग रहा है वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तो अभी सब लोग निकल रहे हैं यहाँ से मंदिर की तरफ और बहुत अच्छा लगा सब लोग आए और ऐसे वक्त पे सब लोग साथ थे तो कहीं ना कहीं एक अलग सी पॉजिटिविटी थी घर में और अब सब लोग जब जा रहे हैं धीरे धीरे तो फिर घर थोड़ा सा शांत होने लगेगा सुना ऐसा हो जाएगा और एकदम से ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि ये सारी चीज़ें करनी है बट अचानक से सब कुछ डिसाइड हुआ और सब लोग आए सब लोग मिले जुले सब लोग हंसते खेलते बातचीत करते करते कहीं ना कहीं बहुत सारा लोगों ने यहाँ खड़े रहेंगे तो ऐसे चारों बहनें मिली हैं हम तो वैसे भी बहुत मनीषा मेहंदी का फंक्शन कब है हल्दी बता देना है आ जाएंगे मार्च में नहीं मार्च में होता है गर्मी आपकी एनिवर्सरी कब है वैसे मार्च में तो नहीं होता है अरे नहीं यार एनिवर्सरी तो होने से पहले डेट फिक्स होगा तब पता चल जाएगा फरवरी का मिनट रुको वैसे एनिवर्सरी कब आती है आपकी दिसंबर मार्च दिन कर लो हां फिर ये भी सही कार्ड अभी से छपवाने शुरू कर दो हां चांद सो गाइस आप लोगों ने देखा कि सचिन के अंदर अंदर कोई बात है जो बहुत ज़्यादा अखड़ रही है ये सचिन को भी नहीं पता क्या बात है जो अंदर ही उन दोनों को खाई जा रही है सही में यार सचिन पहले जैसा नहीं रहा अब सचिन ने लाइफ में मूव ऑन कर लिया बट नेहा से जो सचिन का रिश्ता था मतलब सचिन कहीं ना कहीं पूरा का पूरा स्पॉइल हो चुका है मतलब अंदर से पूरा ख़त्म हो गया सचिन पूरा लग ही नहीं रहा यार ये वही सचिन है जो पहले हुआ करता था हंसता खेलता चलो थोड़ा टाइम लगेगा बट जल्दी सब ठीक हो जाएगा वी ऑल नो दैट बट फिर भी हम तो यही बात करेंगे कि फटाफट से सब अच्छा हो जाए ताकि नेहा की खुशियां भी वापस आ जाए और सचिन मनीषा भी अपनी लाइफ में सेट हो जाए क्योंकि यार ये सब जो कुछ भी हुआ है ना बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और यहाँ पे ये सब हंस रहे थे हंसी मजाक कर रहे थे अभी सचिन और मनीषा की शादी होगी तो मार्च को डेट रिवील हो चुकी है ये लोग खुद ही बात कर रहे थे आपस में कि 2 मार्च को होगी तो उन्होंने बोला हल्दी वगैरह जब भी हो आप बता देना तो देखो हल्दी मेहंदी शादी वगैरह कब कैसे क्या होगा बाकी ये लोग तो आगे बढ़ गए बट नेहा को इन्होंने 0 ला के छोड़ दिया एक स्त्री जो है ना कभी किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगी सचिन ने पूरा का पूरा वो कर दिया उसको सही में यार सचिन ने बहुत ज़्यादा मतलब धोखा दिया एक तरीके से नेहा आशीष तिवारी को चैट को लाइव करके बट सचिन में इतने गट्स है कि वो नेहा की सच्चाई को सामने ला पाया ये भी देखा जा सकता है दूसरी साइड से